यरोमन अन्यंगाश्मिका। हेलो एवरीवन। दोस्तों, अगर आप एक के ड्रामा लवर हैं और इन के ड्रामास या चाइनीज ड्रामास को देखने के लिए एमएक्स प्लेयर जैसे बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, तो आज मेरे पास आपके लिए बेहद ही चौंकाने वाली न्यूज है। और न्यूज ये है कि एमएक्स प्लेयर सेल हो गया। जी हाँ दोस्तों, अमेज़न प्राइम जैसे बड़े प्लेटफॉर्म ने इंडिया के सबसे बड़े एंटरटेनिंग ओटीटी प्लेटफॉर्म को परचेज कर लिया है। और जब से ये न्यूज वायरल हुई है, तब से मेरे पास ढेर सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूंगी। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, जिससे कोई भी लेटेस्ट न्यूज आपसे मिस ना हो। दोस्तों, शायद आपको ना पता हो, लेकिन कुछ टाइम से इंडिया में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर घमासान मचा हुआ है, जिसकी शुरुआत जियो सिनेमा ने आईपीएल को अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर फ्री में दिखाने से की, जिसके बाद जियो सिनेमा सभी आईपीएल लवर्स का फेवरेट ऐप बन गया। और इसके बाद जियो सिनेमा ने एचबीओ के साथ भी अपना मर्जर कर लिया। और इस बिजनेस स्ट्रेटेजी ने इंडिया के लगभग सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को वॉर जोन में लाकर खड़ा कर दिया। दोस्तों, हो सकता है कि आप इस बिजनेस स्ट्रेटेजी को ना समझ पा रहे हो, तो इजी वर्ड्स में कहें तो जियो के इस स्टेप के बाद इस टाइम जियो के पास सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स या कहें कि यूजर्स हैं, क्योंकि इंडिया में आईपीएल की दीवानगी के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं। तो इसी बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ जियो ने कुछ इंटरनेशनल वेब सीरीज और मूवीज भी अपने ऐप पर अपडेट करना स्टार्ट कर दिया, जिसका असर ये हुआ कि लोग जियो सिनेमा को 24 आवर्स यूज करने लगे। वहीं अदर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को इसका लॉस होने लगा, जिसके बाद एमएक्स प्लेयर को अमेज़न प्राइम ने परचेज करने या कहें कि मर्जर करने का ऑप्शन दिया, जिसे एमएक्स प्लेयर ने एक्सेप्ट कर लिया। इजी वर्ड्स में कहें तो ऐसा कहा जा रहा है कि 400 करोड़ रुपीज में अमेज़न ने एमएक्स प्लेयर को परचेज कर लिया है, जो कि काफी लो प्राइस है, जो बताता है कि एमएक्स प्लेयर के डे बाय डे यूजर्स कम हो रहे थे। हालांकि एमएक्स प्लेयर के यूजर्स का कहना था कि एमएक्स प्लेयर के फ्री कंटेंट पर एड्स काफी ज्यादा आती थी, इसलिए उन्होंने अदर ऑप्शंस को पिक करना स्टार्ट कर दिया। इसके साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि एमएक्स प्लेयर के 78 मिलियन यूजर्स हैं, वहीं अमेज़न के 28 मिलियन यूजर्स हैं, लेकिन दोनों ही एप्स के कंटेंट में काफी डिफरेंस है, जिसे आपने भी महसूस किया होगा। तो अब इस मर्जर के बाद अमेज़न प्राइम से उम्मीद की जा रही है कि एमएक्स प्लेयर के डबिंग कंटेंट की क्वालिटी में कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाए, क्योंकि अभी जो डबिंग कंटेंट आ रहा है उसकी क्वालिटी बेहद खराब है। लेकिन दोस्तों, इस डील के बाद चेंजेस आपको नेक्स्ट ईयर से ही देखने को मिलेंगे। अभी तो आप जैसे फ्री में एमएक्स प्लेयर को एंजॉय कर रहे थे, वैसे ही करते रहिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड सारंगे हो।